हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ प्रोफेसर अमित परदेसी वेलकम टू द लेक्चर नंबर फोर ऑफ पैरल लाइन स्टूडेंट्स पैरलर लाइन एंड ट्रांसवर्स से रिलेटेड हमने लास्ट थ्री लेक्चर्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन देखे आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2.2 के कुछ क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ओके चलिए आज के लेक्चर का पहले क्वेश्चन पेपर चलते हैं रेडी बच्चो द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्रैक्टिस टू पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फोर इस क्वेश्चन के अंदर गिवन में दिया है ए बी इज पार्ल टू डी ई ए बी इज पार्ल टू डी ई दे दिया है बच्चों यहां पे हंड्रेड डिग्री दिया है यहां पे फिफ्टी डिग्री दिया है ओके okay? और हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए बी सी का मेजर हमें फाइंड करना है एंगल ए बी सी का मेजर ओके डायग्राम देख के आप समझ ही गए होंगे कि यहां पर डायग्राम के अंदर उतना कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो ऐसे में क्या करेंगे बच्चों हम एक्सटर्नल इनपुट मतलब एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन देंगे दैट मीन्स इस डायग्राम के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी ड्रॉ करेंगे दैट इज नथिंग बट कंस्ट्रक्शन तो हम इस डायग्राम में कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं चलो देखते हैं रेडी तो हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू पॉइंट सी जिसका नाम होगा पी क्यू जिसका नाम होगा पी क्यू ओके सो स्टूडेंट हम यहां पर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ लाइन पी क्यू थ्रू पॉइंट सी सच दैट मतलब इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया PQ AB है बच्चों की पी क्यू ए बी से पैरल है मतलब हमने एक एक्स्ट्रा लाइन रेडी किया यहां पर और इसे एबी से पैरल रखा है इसे ए बी से पैरल रखा है बच्चों हमने ठीक है सच दैट पी क्यू इज पैरल टू ए बी ओके तो हमने क्या किया एक पी क्यू ड्रॉ किया है सी पॉइंट से और उसे एबी से पैरल रखा है ठीक है अब स्टूडेंट सोल्यूशन मतलब सॉल्व करना शुरू करेंगे हम ठीक है पैरेलल की बात हो रही है तो गिवन में भी तो पैरेलल दिया है कंस्ट्रक्शन में भी हमने पैरेलल ड्रॉ किया है तो एक काम करते हैं स्टार्टिंग में पैरेलल को मेंशन कर देते हैं शायद वहीं से हमें पकड़ में आ जाए कि इस सम को आगे कैसे सॉल्व करना है ठीक है बच्चों तो सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट हमें पता है ए बी इज पैरेलल टू डी ई ये हमें गिवन से पता चलाइट नेक्स्ट पी क्यू जो है वो ए बी से पैरल है कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ओके सो फाइनली फाइनली इन दो स्टेप्स की मदद से बच्चों इन दो स्टेप्स की मदद से हम तीसरा स्टेप बनाएंगे बड़ा सिंपल है ए बी पैरल टू डी ई है ए बी पैरल टू डी ई है पी क्यू पैरल टू ए बी है तो फाइनली फिर कौन पैरल हो गया बच्चों तो यहां पर फाइनली DE विल बिकम पैरल टू पी क्यू विल बिकम पैरल टू पी क्यू हमें स्टेप नंबर वन एंड स्टेप नंबर टू से पता चला ओके okay? सो so यहां पर हमने क्या देखा कि ए बी से पैरल है गिवन में ए बी पी क्यू से पैरल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हो गया तो फाइनली ये डीई पी क्यू से पैरेलल हो गया है ना चलिए अब ये डीई जो पी क्यू से पैरेलल हो गया है इसकी वजह से कौन सा शेप यहाँ पे बन रहा है बच्चों ध्यान से देखना तो ही समझेगा कौन सा शेप यहां पर बन रहा है बच्चों सी शेप दैट मीन्स यहां पर हमें इंटीरियर एंगल्स मिल रहे हैं ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है बच्चों ओके और इंटीरियर एंगल्स का सम मतलब एडिशन 180 होता है यह बात तो आपको पता ही है बच्चों राइट right. जिसमें से इस एंगल का 100 है ओके okay. सो so, इस एंगल का 80 होगा कैसे मिला 80 180 में से हमने इस 100 को सब कर दिया समझा आपको यह चीज बराबर तो हमें यह एंगल का मेजर मिल चुका है मैं जानता हूं हमें इस एंगल का मेजर चाहिए लेकिन हम क्या करेंगे यहां से यहां पहुंच चुके हैं इधर क्या मेजरमेंट ढूंढ लिए अब यहां से यहां तक कैसे जाएंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसकी चिंता आप मत कीजिए ठीक है तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्या देखा कि डीई जो है वो पी क्यू से पैरल हो चुका है या इंटीरियर एंगल्स बनते हुए दिख रहा है जिसमें से इसका हंड्रेड डिग्री है तो इसे वन एट्टी से सब ट्रैक किया हंड्रेड को तो इसका एट्टी डिग्री मिला मुझे ठीक है तो चलो इसका स्टेप बना लेते बच्चों स्टेप नंबर फोर इंटीरियर एंगल्स दो है जिनका एडिशन 180 होगा जिसमें से एक का नाम है ई डी सी एंगल ई डी सी और जो दूसरा एंगल है बच्चों उसका नाम है डी सी क्यू डी सी क्यू और दोनों का टोटल होगा 180 डिग्री रीजन बड़ा सिंपल है इसका इंटीरियर एंगल रीजन बड़ा सिंपल है इंटीरियर एंगल्स ओके चलिए जिसमें से ईडीसी है 100 डीसीक्यू क्यू मुझे पता नहीं है बच्चों इक्वल्स टू 180 डिग्री डीसी क्यू डीसी क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 100 सो एंगल डीसीक्यू क्यू विल बी 80 डिग्री ओके okay? डीसी क्यू यहां पर मुझे 80 मिल चुका है बच्चों यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब ध्यान से देखना मेरे डायलॉग्स को बहुत दिमाग से सोच समझ के आपको विचार करना है कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको यहां पे एक एंगल है जिसका नाम है बी सी डी और यहां पर एक एंगल है जिसका नाम है डी सी क्यू इन दोनों एंगल को ओके रेडी ध्यान से देखना इन दोनों एंगल को अगर मैं ऐड करता हूं तो एक बड़ा एंगल बनेगा ये yes no? अब इस बड़े एंगल का डिग्री कितना होगा सोचिए यहां पर है 50 डिग्री यहां पर है 80 डिग्री अगर मैं ऐड करता हूं तो ये बड़ा एंगल बनेगा जिसका मेजर होगा 130 डिग्री कितना मेजर होगा बच्चों 130 डिग्री तो चलिए अब हमने यहां पर क्या किया दो छोटे छोटे एंगल को ऐड करके बड़ा एंगल ढूंढा बराबर अब इसे लिख के दिखाएंगे रेडी तो स्टेप नंबर फाइव दो छोटे छोटे एंगल को ऐड करके अब हमने बड़ा एंगल फाइंड आउट किया है और उसका रीजन बड़ा सिंपल होगा एंगल एडिशन प्रॉपर्टी ओके एंगल एडिशन प्रॉपर्टी अब बड़े एंगल का नाम क्या है चलो देखते हैं बड़ा एंगल यहां से शुरू होता है और यहां तक जाता है मतलब बड़े एंगल का नाम है बी सी क्यू बी सी क्यू ओके अब दो छोटे एंगल जिसमें से इसका जो नाम है वो है बी सी डी बी सी डी और इसका जो नाम है बच्चों वो है डी सी क्यू डी सी क्यू ओके सो यहां पर 50 डिग्री आ गया यहां पर 80 डिग्री आ गया और इसका मेजर 130 डिग्री आ गया ओके okay? तो मेरे ख्याल से यहां तक सबको समझ में आ गया रहेगा राइट right? अब बच्चों ध्यान से देखना ओके okay. चलिए अब मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाना चाहूंगा ध्यान से देखना तो ही समझेगा आपको ओके आपको ऐसा एक फिगर देखने मिलेगा यहां पर ए है यहां पर बी है यहां पर सी है यहां पे क्यू है और बी सी क्यू राइट नाउ मुझे 130 डिग्री मिला चेक कीजिए चेक किया वेरी गुड ये इससे पैरल है मतलब पूरे से पैरल है बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं ये ए बी इस पूरे से पैरल है तो बी सी क्या बन जाएगा ट्रांसवर्सल क्या बन जाएगा ट्रांसवर्सल बी सी ट्रांसवर्सल है तो बच्चों ये कौन से एंगल मिलेंगे जेड शेप के एंगल और इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल अगर लाइन पैरल है तो लेकिन यहां तो लाइन पैरल है मतलब ये ऑल्टरनेट एंगल्स का मेजर सेम रहेगा मतलब इसका अगर 130 है तो इसका भी 130 डिग्री होगा बच्चों अब ये एंगल जिसका 130 डिग्री अभी हमने ढूंढा इस एंगल का नाम एक बार देखते क्या है इस एंगल का नाम है ए बी सी क्या नाम है बच्चों ए बी सी ओके और है हमारा फाइंड क्या बच्चों ध्यान से देखिए हमारा फाइंड है एंगल ए बी सी मतलब ये क्लियर हो गया बच्चों कि अब ऑल्टरनेट एंगल की मदद से हम यहां पर साबित करेंगे कि एबीसी का 130 डिग्री है तो स्टेप नंबर सिक्स एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी क्यू बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल्स और दोनों का है 130 डिग्री रीजन लिख देंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके और इस तरीके से एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू वन थर्टी डिग्री सम हो गया सॉल्ट सम हो गया सॉल्ट तो हमारा जो फाइंड था वो हमको मिल चुका है कैसे किया इसको हमने यहां पर पी क्यू ड्रॉ किया जिसे ए बी से पैरल रखा है देन यहां से इंटीरियर एंगल से इसका एटी ढूंढा एटी प्लस फिफ्टी वन थर्टी हो गया ये एंगल ये बड़ा एंगल जो है वो इसके साथ ऑल्टरनेट एंगल है इस बड़े एंगल का 130 है तो फिर ये एंगल का भी 130 होगा और इसका डिग्री हमें ढूंढना था ये हमें मिल गया तो ये सम यहां पर खत्म हो जाता है ठीक है बच्चों तो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग सम एंड वेरी इंपॉर्टेंट सम इसे प्रैक्टिस जरूर करना है आपको ओके चलिए प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर फाइव इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके इस क्वेश्चन में क्या दिया है चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया है इज पैरल टू बी डी रे इज पैरल टू रे बी डी ये रे ए -E है और रे ये ये दोनों आपस में पैरल है बच्चों अगर मैं ध्यान से देखूं तो एंड बी डी बूथ आर पैरल सो ए बी ए बी विल बिकम द ट्रांसवर्सल ए बी क्या बनेगा बच्चों ट्रांसवर्सल ओके सो यहां पे जो बड़ा एंगल बन रहा है और यहां पे जो बड़ा एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल क्या होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे बच्चों ऑल्टरनेट एंगल्स और जब ए पैरल -E है बी डी को तो ये दोनों बड़े एंगल ऑल्टरनेट एंगल दे विल बी इक्वल्स टू इच अदर वो कॉन्ग्रेंट होंगे बच्चों तो यहां पे इतनी बातें पता चल गई एक काम करते उसे लिख लेते हैं सो so, प्रूफ का पहला पॉइंट ओके रे इज पैरल टू रे बी डी यह हमें गिवन से पता चला है बच्चों सो so, यहां पर जो जेड शेप के एंगल्स बन रहे हैं वो आपस में इक्वल होंगे अब वो कौन सा एंगल है जरा देखते हैं यहां पर ई ए बी ओके एक एंगल है EAB, okay. The next angle is ABD. क्या नाम है? ABD. And they are alternate angles. They are alternate angles. Okay? They are alternate angles. Now बच्चों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, it is very important. ये आपको tenth तक याद रखना है. चिकेत tenth तक. क्लियर क्या मैं बताने जा रहा हूं कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों ओके okay, एक शॉर्टकट तरीका है सम को सॉल्व करने का कंप्लीट करने का ओके okay, अगर अगर मतलब इफ ओके इफ गिवन में एंगल वाई दिया हो इफ एंगल बाय सेक्टर इज गिवन इन द क्वेश्चन देन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई अटेप इन विच दैट एंगल इज डेड बाई हाफ आपको क्या करना है अगर गिवन में एंगल बाइसे दिया हो तो आपको क्या करना है एक स्टेप को हाफ से मल्टीप्लाई करना है उस स्टेप में वो एंगल का नाम दिखना चाहिए अगर एंगल का नाम दिख रहा है जिसका बाइसेकटर दिया हुआ है अगर एंगल का नाम दिख रहा है जिसका बाइसेक्टर दिया है तो आप उस स्टेप को हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए ऐसा करने से सम बहुत जल्दी और करेक्ट आंसर आता है और जल्दी सॉल्व हो जाता है बच्चों ठीक है तो यहां पर गिवन में एंगल बाई दिया है कौन सा एंगल का नाम दिया है ई ए बी और ए बी डी ओके अगर ये दोनों एंगल मुझे किसी स्टेप में दिखते हैं तो मैं उस स्टेप को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ई ए बी मुझे यहां पर दिख रहा है ए बी डी मुझे यहां पे दिख रहा है इसका मतलब मुझे इस सेकेंड स्टेप को हाफ से मल्टीप्लाई करना है बच्चों ठीक है तो मैं यहां पर हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा सेकेंड स्टेप को मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ ओके चलिए अब ये हाफ से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा हुआ देखते हैं हाफ ई ए बी ओके हाफ ई ए बी जो दिख रहा है आपको इसका मतलब है ई ए बी एंगल ई ए बी का आधा ओके क्या मतलब निकलता है इसका हाफ एंगल ई ए बी का मतलब निकलता है कि एंगल ई ए बी का आधा कौन है चलो डायग्राम में देखते बच्चों तो यहां पर ध्यान से देखिए क्या मैं इस एंगल को हाफ ई ए बी बोल सकता हूं क्या मैं इस एंगल को हाफ ये भी बोल सकता हूं यस yes. क्योंकि ये पूरा ई है ये पूरा ई है और ये पोर्शन आधा है तो इस पोर्शन का नाम क्या है बच्चों इस का नाम है एफ ए बी क्या नाम है एफ ए बी तो क्या मैं इसके नीचे क्या मैं इसके नीचे फोर्थ पॉइंट में एंगल एफ ए बी लिख सकता हूं यस yes. मैं लिख सकता हूं ठीक है क्योंकि मीनिंग तो वही निकलता है ओके okay. अब हाफ एबीडी हाफ एबीडी अब ये हाफ एबीडी कहां पर है चलो देखते हैं ये पूरा एबीडी है तो क्या मैं इसे इस एंगल को हाफ एबीडी बोल सकता हूं यस मैं बोल सकता हूं तो मैं क्या इसके नीचे ओके इसका नाम लिख सकता हूं लिख सकता हूं तो इसका नाम क्या है बच्चों इसका नाम है ए बी सी क्या नाम है इसका ए बी सी अब यहां पर जो हमने चेंजेस किया है वो हमने फ्रॉम गिवन नंबर टू एंड थ्री ये जो गिवन नंबर टू है और ये गिवन नंबर जो थ्री है ओके ये टू और थ्री की मदद से हमने जजमेंट लिया कि एंगल आधा हो चुका है एंगल आधा हो चुका है और यहां पे आधा एंगल की बात हो रही है तो हम आधा एंगल लेंगे ठीक है बच्चों ठीक है अभी जो फोर्थ पॉइंट है अगर हम इसे मेन डायग्राम में देखते हैं तो ये इस तरीके से दिखता है बच्चों ये इस तरीके से दिखता है ध्यान से देखिए तो ही समझेगा ये है हाफ ए बी और ये है हाफ ए बी डी और ये दोनों एंगल इक्वल है ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों Z शेप के एंगल है ऑल्टरनेट एंगल है इक्वल है तो जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो हम लाइंस को क्या बोलते हैं बच्चों पैरल बोलते हैं तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम किसे पैरल बोलेंगे ए को किसके साथ पैरल बोलेंगे बी के साथ तो स्टेप नंबर फाइव ओके स्टेप नंबर फाइव लाइन ए एफ पैरल टू लाइन बी सी ओके ऑल्टरनेट एंगल्स की मदद से बताया हमने किसकी मदद से बताया ऑल्टरनेट एंगल तो यहां पर आएगा ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट अब हमें प्रूफ क्या करना था हमें प्रूफ करना था ए एफ पैरल है क्या बी सी के साथ ए एफ बी सी से पैरल है क्या प्रूफ करो तो क्या हमने वो प्रूफ कर दिया बच्चों यस yes. तो प्रूव हो गया है पांच स्टेप का स्टेप है पांच स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ओके सबसे पहले यहां पर ए -E पैरल था बी डी से तो एक बड़ा एंगल यहां पर बड़ा एंगल यहां पे बड़े एंगल को हमने इक्वल दिखाया सेकंड सेकेंड स्टेप में देन एंगल बाई सेक्टर दिया था तो हाफ से मल्टीप्लाई किया हाफ से मल्टीप्लाई किया मतलब आधा एंगल लिखना पड़ेगा तो हमने आधा एंगल लिखा और जो आधा एंगल है उसकी मदद से हमें लाइन पैरल मिल गया और सम हो गया खत्म ओके बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ओके क्वेश्चन नंबर सेट टू पॉइंट टू का यहां पे रे पी आर इज पैरल टू रे क्यूएस रे पी आर और रे क्यूएस पैरल है बच्चों चलो डायग्राम में देखते हैं, कहां पर तो रे पी आर और ये है रे क्यूएस ये दोनों आपस में पैरल है तो रे पी क्यू ये जो बीच में पी क्यू ट्रांसवर्सल बन जाएगा बच्चों तो ऑटोमेटिक यहां पे जो ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे बच्चों ये ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल एम राइट right. चलो इतनी बातें पता चल गई तो एक काम करते उतना लिख लेते हैं बच्चों ठीक है सो so यहां पर पहला पॉइंट ओके okay? रे पी आर इज पैरल टू रे क्यू एस यह हमें गिवन से पता चला सो टू एंगल्स विच आर इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स विच आर इक्वल कौन से हैं? चलो देखते हैं वहां पर ओके okay? एक का नाम है आर पी क्यू और दूसरे का नाम है पी क्यू एस तो एक है आर पी क्यू और दूसरा पी क्यू एस they are alternate angles they are alternate angles okay clear yahan tak samjha aapko okay previous question ki agar main baat karu previous question ki agar main baat karu okay students to तो previous question mein हमारे पास बड़ा angle था बड़ा angle था उसको आधा कर दिया Half से multiply करके मैं repeat कर रहा हूं बड़ा angle था पूरा एंगल था और हमने उसे हाफ से मल्टीप्लाई करके आधा कर दिया अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास आधा एंगल है आधा एंगल है और मैं उसे पूरा कर दूंगा क्या कर दूंगा पूरा मतलब बड़ा कर दूंगा सेम यर मेरे पास आधा एंगल है और मैं उसको पूरा कर दूंगा बड़ा कर दूंगा ठीक है अब पूरे एंगल को जब आधा करते हैं तो हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं डायलॉग बराबर ध्यान से सुनना बच्चों पूरा एंगल है और उसे आधा करना है तो हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं अब आधा एंगल है तो उसे पूरा करना है तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है अब यहां पर बाइसेक्टर्स दिया हुआ है बाइसेक्टर का मतलब है कि यहां पर बड़ा एंगल आधा हो रहा है मतलब आधे एंगल को अगर मुझे बड़ा एंगल करना है तो इंटू टू करना पड़ेगा इंटू टू करना पड़ेगा ये मुझे बाइसेक्टर समझा रहा है कौन समझा रहा है बच्चों बाइसेक्टर ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूं बाइसेकटर क्या कहता है कि एंगल जो बड़ा था वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया मतलब वो आधा हो गया ओके और हमें आधा एंगल मिल चुका है अब आधा मिला है तो उसे पूरा करना पड़ेगा पूरा मिला है तो उसको आधा कीजिए पूरा एंगल मिला है तो उसको आधा करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए आधा एंगल मिला है उसको पूरा करना है तो इंटू टू कीजिए तो यहां पर हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में इस आधे एंगल को टू से मल्टीप्लाई करेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों टू से मल्टीप्लाई करके उसको पूरा एंगल करेंगे सो मल्टीप्लाई बोथ द साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय टू ओके सो हमने यहां पर छोटा एंगल जो आधा था उसे पूरा करने के लिए इंटू टू कर दिया उसको इंटू टू कर दिया अब चलो जो पूरा एंगल बनता है इंटू टू होने के बाद जो बड़ा एंगल बनता है उसका नाम क्या है डायग्राम में देख लेते हैं बच्चों तो यहाँ पर ये जो बड़ा एंगल है इसका नाम है बी पी क्यू तो इसके नीचे क्या मैं फोर्थ स्टेप में एंगल बी पी क्यू ऐसा लिख सकता हूँ यस लिख सकता हूँ और यहां पर ये जो बड़ा एंगल बन रहा है इसका नाम है पी क्यू सी तो क्या मैं इसके नीचे एंगल पी क्यू सी लिख सकता हूँ यस yes, लिख सकता हूँ अब ये मुझे कहाँ से समझ में आया कि मुझे इंटू टू करना चाहिए तो फ्रॉम गिवन नंबर टू फ्रॉम गिवन नंबर टू तो ये मेरा गिवन नंबर टू है जिसमें बाइसेक्टर की पूरी स्टोरी है ठीक है तो इस बाइसेटर की वजह से मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आधा एंगल पूरा कर सकता हूँ इंटू टू करके ओके अब जिस एंगल को मैंने फोर्थ स्टेप में लिखा है जिसे मैंने इक्वल बना दिया है ये दोनों एंगल को अगर मैं ध्यान से देखता हूं ठीक है तो आपको Z के एंगल्स मिलेंगे B, P, Q, P, Q, C. ये दोनों शेप के एंगल है जिसे मैंने फोर्थ स्टेप में इक्वल कर दिया है चेक कीजिए इसमें डायग्राम में क्या आपको ऐसे जेड शेप के एंगल बीपी क्यू और पी क्यू सी देखने को मिल रहे यस और Z शेप के एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो हमें पैरल बोलना पड़ता है लाइंस को तो ध्यान से देखिए ये लाइन ये लाइन इस लाइन से पैरल हो जाएगा और इस लाइन का नाम है ए बी और इस लाइन का नाम है सी डी मतलब ये पूरा ए बी मतलब ये पूरा ए बी और ये सी डी ये पूरा सी डी आपस में पैरल होगा सो लाइन ए बी विल बी पैरल टू लाइन सी डी ओके ओके कौन सा शेप था यहाँ पे जेड शेप मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स थे इसीलिए यहां पे रीजन आएगा ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट ओके अब हमें प्रूफ क्या करना था हमें लाइन ए बी को पैरेलल प्रूफ करना था सी डी से देखो लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया और यहां पर ये यह सम हो जाता है खत्म ओके सो इट्स वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फाइव स्टेप्स का सोल्यूशन है इसका ओके okay? ध्यान से देखा आपने हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर ओके okay? चलिए आज हमने प्रैक्टिस सेट टू पॉइंट टू को फिनिश कर दिया आज के लेक्चर में फिर मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में ओके okay? फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी मजेदार क्वेश्चंस के साथ तब तक के लिए घर पर रहिए सुरक्षित रहिए अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रहिए बच्चों थैंक यू वेरी मच थैंक यू स्टूडेंट्स